बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। हरियाणा में ओपी धनखड़ होंगे बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। पिछली मनोहर सरकार में मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में बादली से चुनाव हार गए थे, लेकिन धनखड़ के अध्यक्ष बनने में जाट फैक्टर ने बड़ा काम किया है। सुभाष बराला की जगह जाट चेहरे पर ही ये दांव खेला गया है और पहले कृष्णपाल गुर्जर को अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आखिरकार मुहर ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर लगाई है बीजेपी ने। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बकायदा इसकी घोषणा की है। पिछली मनोहर सरकार में मंत्री थे, कृषि मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में बादली से चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। धनखड़ के अध्यक्ष बनने के बाद जाट फैक्टर ने बड़ा काम किया है। कहीं ना कहीं जो जाट फैक्टर है उसके मद्देनजर ही बीजेपी की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। सुभाष बराला की जगह जाट चेहरे पर ये बड़ा दांव खेला गया है। तो हरियाणा का अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई है और ये कहा गया है कि आपके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवश्य मिलेगा और हरियाणा भाजपा संगठनात्मक रूप से और सुदृढ़ और समृद्ध होती जाएगी। मनोहर लाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। हरियाणा के सीएम है जिन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। तो बधाइयों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब जरा नजर डालते हैं ओम प्रकाश धनखड़ के राजनीतिक सफर पर। बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम। 2014 में बनी बीजेपी की सरकार में ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री रहे। भिवानी में कई सालों तक लेक्चरर रहने के बाद 1978 में धनखड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़े। धनखड़ 1980 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। इसके करीब 18 साल बाद 1996 में धनखड़ ने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान धनखड़ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। सरदार पटेल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के राष्ट्रीय समन्वयक लौह संग्रह निगम समिति में रहे। 2014 में धनखड़ के राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आया। 2014 में रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें झज्जर जिले के बादली सीट से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करते हुए मनोहर सरकार में कृषि, पंचायत और पशुपालन मंत्रालय समेत 5 विभाग संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं सीएम की अपील के बावजूद आज प्रदर्शन करेंगे किसान। पंजाब भर में ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि अध्यादेशों और नए बिजली बिल का विरोध किया जाएगा। किसानों की तरफ से सरकार से डीजल की कीमतें आधी करने की मांग की जा रही है। बीकेयू के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मास्क और शारीरिक दूरी का भी खास ख्याल रखने की बात कही गई है। सीएम ने विरोध प्रदर्शन ना करने की अपील की थी, लेकिन लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से। और आज एक बार फिर से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जाएगा। कोरोना के चलते पहले विरोध प्रदर्शन स्थगित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज पंजाब भर में ट्रैक्टर के साथ किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये प्रदर्शन होगा।